अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब को दबाएं और साथ ही इस घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, इससे आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे, ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ जी यखनी पुलाव, जो एक हम पाकिस्तानी डिश भी है और अरबी डिश भी है। तो बस मैंने इसका जो अभी जो मैं बना रही हूँ वो बड़े बड़े पीस रख के मैं इसको यखनी बनाऊँगी इसकी, चिकन की। और ये वो फ्रोज़न चिकन है जो मैंने छोटे पीस नहीं किए, इसको बड़े ही रख लिए। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके 4 पीस किए हैं। और इसको मैं बॉईल कर लूँगी अब अच्छे से। तो मेरे पास वो साबुत मसाले ज़्यादा नहीं है, तो मेरे पास ये यखनी का मसाले का पैकेट था अहमद का, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये इसमें सारे फ्लेवर आ जाएंगे मतलब ना। तो बस ये यखनी के लिए मैंने इसमें ये जो हम ऊपर से साबुत मसाले डालते हैं वो इसकी जगह मैंने ये डाल दिया। तो इसमें सारा यखनी के जो गरम मसालों का फ्लेवर है वो आ जाएगा और अच्छे से आया था। और अब मैं इसमें चिकन में और मसाले में पानी डाल रही हूँ ताकि इसकी यखनी बन जाए चिकन की। तो ये अगर हम अपना पाकिस्तानी स्टाइल में जैसे हम बनाएंगे तो छोटे छोटे पीस करके हम यखनी के बनाते हैं और फिर उसको अलग कर लेते हैं और फिर चिकन, जो भी चिकन है या मटन है, उसमें हम मसाले डाल के बना के और वो यखनी हम चावलों में डाल देते हैं। इसमें ये मैं कर रही हूँ कि मैंने यखनी बना रही हूँ। और यखनी ऐसी है कि अरबी चावल जो होते हैं उसमें आप कोई भी चीज़ साबुत मुँह में नहीं आती है, मतलब प्लेन सादे यखनी वाले चावल होते हैं। और उसके ऊपर आप ये जो चिकन को आप बॉईल कर रहे हैं, इसी चिकन को आप जैसे रोस्ट कर लें या फिर क्या कहते हैं ओवन कर लें, जो भी कर सकते हैं। मैं तो, मेरे पास कुछ भी नहीं है ओवन वगैरह, तो मैं इसको सिर्फ हल्के से फ्राई कर लूँगी तेल में। तो बस इसके ऊपर इसको चिकन को फ्राई करने के बाद चावलों के ऊपर रख दूँगी। और ये अरबी तरीका है, मतलब जैसे ना इनमें चावलों में एक चीज़ भी मुँह में नहीं आती। हाँ, नट्स ज़रूर डालते हैं ये लोग, नट्स में यानी किशमिश होती है लाजिम, क्या कहते हैं चिलगोज़े होते हैं, काजू होते हैं, ये लाजिम इनका नट्स जो है इस यखनी पुलाव के ऊपर डाला हुआ होता है। यखनी पुलाव नहीं है ये, ये तो हमारा पाकिस्तानी स्टाइल है कि यखनी पुलाव, ये जो अरबी डिश कहलाती है जो मैं बना रही हूँ इस वक्त। और अगर पाकिस्तानी स्टाइल में बनाती तो फिर मैं थोड़ा मसाले डालती, मसाले आते हैं हमारे प्याज वगैरह जो होते हैं वो मुँह में आते हैं, मतलब जैसे हम लोग मसाला भून के फिर वापस वो जो चिकन हमने बॉईल की होती है या मटन उसको हम मसाले में भूनते हैं फिर उसके बाद बनाते हैं। लेकिन ये जो है सिंपल सी सादी सी सिर्फ यखनी वाले चावल हैं। और ये चिकन जो मैंने बॉईल करके आप देख रहे हो ये निकाल लिया है, अब मैं इसको हल्का फ्राई कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऊपर से जो फ्राई करके मुझे प्याज डालने हैं वो मैं थोड़े फ्राई कर लूँगी, ब्राउन प्याज। ये बहुत इनके अरबी डिश में ये होता है, प्याज ब्राउन भी डालते हैं और ये नट्स भी डालते हैं। तो ये मैंने थोड़े से प्याज लिए हैं जो मैं इनको ऊपर से फ्राई करके जो चावल के ऊपर रखूँगी। बिल्कुल गोल्डन नहीं करने ना ही ज़्यादा ब्राउन करने, बस लाइट से गोल्डन ब्राउन करने ताकि वो चावल के ऊपर अच्छे लगे कलर। क्योंकि मेरे पास नट्स इतने नहीं होते, मतलब जो ड्राई फ्रूट ड्राई नट्स जो होते हैं वो मेरे पास नहीं होते, मेरे पास खाली किशमिश थी तो मैंने इसके ऊपर खाली किशमिश डाल दी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो ज़ाहिर सी बात है यही चीज़ घर में थी, तो मैंने फिर वो जो किशमिश है वही फ्राई करके चावलों के ऊपर रख दी थी। और ये दरअसल मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश है, यानी हम लोग जो खाते हैं जैसे बिरयानी चटपटी मसाले वाली तो वही बनती है ज़्यादा। आज उनकी फरमाइश थी कि भाई सिंपल सी बनाएं आप,
मिर्च मसाले वाली नहीं होनी चाहिए। तो फिर यखनी भी ये मैंने बनाई है, वो यहीं वो उनको ये मतलब पसंद है और हम लोगों को चटपटी मसाले वाली पसंद है। तो ये मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ। बच्चे भी इतने मतलब जैसे शौक़ से नहीं खाते हैं, बच्चों को भी चटपटी मसाले वाली, मेरी बेटी को भी मसाले वाली पसंद है। बस ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे मैं ये बना रही हूँ, जो सिंपल से चावल यखनी के अंदर बने हुए चावल हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास ये किशमिश थी, तो बस मैं इसको फ्राई करूँगी इसी तरीके से जो ये लोग अरबी लोग डालते हैं, तो वो इसमें चिलगोज़े फ्राई कर लेते हैं, काजू काजू लाजमी डालते हैं, किशमिश काजू और ये चिलगोज़े इनका ये फेवरेट, इसके ऊपर अरबी डिश के ऊपर डालते हैं ये। तो मैं समझ लें थोड़ा पाकिस्तानी थोड़ा अरबी मिक्स करके बना रही हूँ। तो ये किशमिश भी फ्राई हो गई है, बस हल्की सी गोल, मुझे इसको कुछ भी कलर नहीं देना है, बस इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। जो ये हो चुकी हैं तो मैं अब निकाल रही हूँ, और जो ये मैंने बॉईल किया है चिकन को, बस मैं इसको इसमें गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करूँगी। काफ़ी हद तक तो ये सॉफ्ट हो चुकी हैं जो हमने बॉईल किया है इसका, और अब जो है बस इसको चिकन में फ्राई कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा छोटे पीस नहीं लिए क्योंकि ये ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़े पीस इनके चावलों के ऊपर रखे हुए होते हैं, तो इसीलिए मैंने भी इसके सिर्फ 4 ही पीस किए हैं। और ये वही फ्रोज़न चिकन है जो मैं अगर छोटे पीस कर लेती तो करती हूँ, तो जैसे सालन वगैरह यूज़ करती हूँ सालन में, और अभी मुझे चावल बनाने थे ये इस तरीके से, तो मैंने इसके सिर्फ 4 पीस कर लिए। ये देखिए ये गोल्डन हो गई है, बस इसी तरीके का चाहिए मुझे, बिल्कुल डार्क नहीं चाहिए। अच्छा, इस पे भी मसाले वगैरह कुछ नहीं लगे हुए, सिर्फ ये बॉईल है नमक के पानी में। ये इनका जो अरबियों का जो होता है ये बिल्कुल बस सेम ऐसे ही खाते हैं, मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं होते इन लोगों के खाने में। तो ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो गई है, बस इसको इतना ही करके मुझे सारी चिकन ऐसे ही फ्राई करनी है। इसमें अभी थोड़ा टाइम है, अब ये भी फ्राई हो गई है अच्छे से, ये आप देख सकते हो। बस इसी तरीके का गोल्डन कलर चाहिए, और अब ये मैंने चारों तरफ से इसको फ्राई कर लिया है अच्छे से। कढ़ाई होती तो उसमें जल्दी से फ्राई हो जाता, अब मेरे पास फ्राई पैन है तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये भी मेरा जो लास्ट पीस है ये मैंने ये भी फ्राई कर लिया। अब जो ये बाकी ऑयल है मैं इसी में जो अपने जो चावल हैं उनको भगार लगा दूंगी, क्योंकि जब आप ताज़ा कोई चीज़ फ्राई करते हो या उसको आप ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हो, बार 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 किया हुआ तेल इस्तेमाल किया हुआ वो नहीं आप इस्तेमाल कर सकते ना। मैंने अभी बस इसमें अपने फ्राई किए हैं प्याज और चिकन, बस मैं इसको अब चावलों में ऐड कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा बारीक बारीक कोई चूरा प्याज का है तो वो मैं ऐसे कर लूँगी तो वो ऊपर रहेगा। तो ये आप देख सकते हो मैंने इसे इसको छान लिया है, क्योंकि एकदम गरम गरम है तो मैं इसको किसी और चीज़ से नहीं छान सकती थी। और बस मैंने इसमें एक तेज़ पत्ता लिया है, ये लौंग इलायची ये सॉरी दालचीनी ली है, ये जो यखनी है मैंने जो प्याज़ वगैरह मिर्चे वगैरह जो इसमें डाली थी वो सब छान लिए, सिर्फ इसमें सादा सिंपल यखनी है, जो ये चिकन का जो सूप है बस वो है। और ये मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ, जो बाकी चावल है मैं वो भी ऐड कर दूंगी अब इसमें। अब जब तक पानी में बॉईल नहीं आ जाता तब तक मैं इसे खुला रख करके पकाऊंगी, यानी कि आप फौरन चावल डाल के ढक्कन नहीं ढक सकते तो फिर चावल बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया, ये देखें, क्योंकि जिस टाइम मैंने यखनी में बनाया था तो वो चिकन के हिसाब से नमक डाला था, और अब ये मैंने चावलों के हिसाब से इसमें नमक डाल दिया। थोड़ी मुझे यखनी कम लगी तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, ये आप देख सकते हैं।
अब ये बॉईल आने के बाद मैंने इसको ढक दिया था अच्छे से, चावल जब बॉईल आ गया था पानी में, और अब उसको मैंने, देखते हैं कैसे है। तो ये देखें अच्छे से पानी खुश्क हो गया इसका, ये पूरे तरीके से अभी पके नहीं है। अभी मैं ये इसके ऊपर चिकन है वो रख दूँगी, उसके बाद फिर इसको दम लगा दूँगी। ये आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, अच्छे से ड्राई हो गया है। और बस मैं अब इसके ऊपर ये जो चिकन मैंने फ्राई किया है ये इसके ऊपर रख दूँगी। हमारे पाकिस्तानी खानों में ये इतनी सिंपल सादी जो पुलाव है वो नहीं खाते, मतलब मुझे भी खैर पसंद नहीं है, मुझे भी चटपट चटपटी मसाले वाली चीज़ें ही पसंद हैं। ये बस हस्बैंड की फरमाइश पे बनाई है। ये देखिए मेरे पास खाली किशमिश थी तो मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया फ्राई करके, और ये प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन किए हैं, बस ये ऐड कर दूँगी। बस यही इसके ऊपर चीज़ें होती हैं, मतलब अरबी लोग और ज़्यादा डाल देते हैं, मैंने ये भी सिंपल सी रखी है, मेरे पास यही चीज़ें थी। तो ये था जी अरबी यखनी पुलाव, हमारा यखनी पुलाव खिलाएगा। और इनका मेरे ख्याल अरबी डिश में क्या नाम लेते हैं मुझे याद नहीं है, पता नहीं कस्बा कस्बा कहते हैं क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है इसका नाम, मैं तो बस अरबी नाम से इसको जानती हूँ कि ये अरबी। बस 5 मिनट के बाद इसको देखते हैं ये किस तरीके की बनी है। तो ये आप देख सकते हैं ये है जी दोपहर का लंच। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। जब भी मेरी वीडियो देखें रेड कलर का सब्सक्राइब है तो उसे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिस आप ना करें। दुआओं में याद रखें।